नाम आपका लक्की, आपका भूमिका, भूमिका आप लोग पूरे परिवार सहित यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली में क्या, आज बुद्ध पूर्णिमा है जी, तो हमको पता चला कि बुद्ध पूर्णिमा जो हमारे जो गौतम बुद्ध हैं उनके जो अस्थियाँ हैं वो नेशनल म्यूजियम में रखी हुई हैं जी, तो हम उनके दर्शन मात्र करने आए थे। तो ये आज आपको नेशनल म्यूजियम के बारे में किसने बताया था यहाँ अस्थियाँ रखी हुई हैं? ये मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू पता चला था जी, तो व्हाट्सएप में एक हमारा ग्रुप है बुद्धा ग्रुप के नाम से, तो वहाँ से पता चला था, तो इसीलिए फिर हम लोग यहीं पे आए थे। तो दर्शन आप यहाँ आके आपने क्या देखा, क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा तो ये है कि नेशनल म्यूजियम है, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने अपना सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो बुद्ध के अवशेष जो रखे हुए हैं वो जो बड़ी सिक्योरिटी से रखे हुए हैं, बड़े सेफ रखे हुए हैं जी, अच्छी बात है। विनोद जी, आज आपने बौद्ध धर्म अपनाया है, तो पहली बात है बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एसएम न्यूज चैनल की तरफ से। तो आपने ऐसे बौद्ध धर्म के अंदर ऐसी क्या खासियत देखी कि आपने बौद्ध धर्म अपनाया? एक्चुअली में क्या है कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो पाखंडवाद है, मतलब बहुत ज़्यादा पाखंड है, पाखंड इतना ज़्यादा है कि आदमी को सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल छीन कर दी जाती है। लेकिन अभी क्या है कि मैं अंबेडकर साहब को मानता हूँ, तो अंबेडकर साहब को मानता हूँ, तो उनकी नीतियों के बारे में थोड़ा जानना चाहता था, और उन्होंने देखा है कि उन्होंने पूरा एनालाइज किया, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बहुत सारे धर्मों का, बहुत सारे मतलब सामाजिक और बहुत सारे कंट्रियों का, सब चीज़ों का अध्ययन किया हुआ है। तो उन्होंने लास्ट में जब देखा कि हिंदू धर्म के अंदर जो असमानता है, मेन असमानता जो है, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, तो उन्होंने बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारा उन्होंने ज्ञान है उनके पास, तो उन्होंने जब सब देखा कि सभी धर्मों का अध्ययन किया, तो उसके बाद उन्होंने ये देखा कि एक बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें इंसान को इंसान समझा जाता है, जिसमें असमानता नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब लोग एक समान हैं। तो उन्हीं के बातों के ऊपर आके हमने देखा कि अगर उन्होंने सोचा है तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा जी। तो बौद्ध धर्म के बारे में अभी मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, सिर्फ आज पहली बार आपने दीक्षा, आज हाँ नहीं दीक्षा नहीं ली है, सिर्फ अपने घर के अंदर अपने जो है मैंने गौतम बुद्ध साहब को अपना स्थापित किया है, भगवान गौतम बुद्ध को। हाँ बहुत अच्छी बात। तो मैडम आपका नाम क्या बताया? पिंकी है। पिंकी जी, आप आज इसे म्यूजियम के अंदर आए, म्यूजियम के अंदर आपने अच्छा ही क्या देखा, और जो मंदिरों के अंदर जाते हैं और आप इस म्यूजियम के अंदर आए, एक मंदिर रूपी म्यूजियम के अंदर आए, आपने यहाँ की विशेषता क्या देखी? एक तो सबसे पहले शांति बहुत है, शांति है। हाँ शांति है, और दूसरी बात जो सब कुछ है वो सही लगा, मतलब पहली बार ही आई हूँ तो। मतलब ये आपको यहाँ भेजने का श्रेय किसको जाता है? आप मतलब अपने हस्बैंड विनोद जी के कहने पे यहाँ आई, या मतलब आपका एक घूमने का मन था कि चलो आज हम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप काफ़ी दिनों से प्रेशर आ रहा था ये कि बौद्ध धर्म को करना है, ये तो माइंड में मेरा भी चेंजिंग होने लगा थोड़ा, बच्चों ने भी थोड़ा इसके लिए मना कर रहे थे मतलब, तो लेकिन धीरे धीरे करके अब थोड़ा माइंड चेंज हो रहा है, तो आज से हमने स्टार्ट किया है। मैडम नहीं देखो, क्या आपको नहीं लगता कि जो और जो आपके गली मोहल्ले की महिलाएं वो व्रत रखेंगी और आप व्रत नहीं रखेंगी, तो आपको कैसा महसूस होगा? अब देखो, अभी आज से क्या, अब देखो मुझसे कितना कोऑपरेट हो पाता है, कितना नहीं हो पाता, कोशिश करूँगी अपने हस्बैंड के थोड़ा साथ देने की, और बस अगर जितना होगा इतना करूँगी, अगर नहीं होगा तो। तो इसमें करने और ना करने की अलग की बात है, कि दिल के नहीं, थोड़ा सा चाहिए कि हमने भगवान गौतम बुद्ध की विचार भावना है, तभी मैंने पढ़ेंगे ये सब करके आए हैं। सुबह सब कुछ स्थापित किया है, अच्छे से मीठा घर में बनाया है, और शाम को दिए जैसे दिवाली पर जलाते हैं ऐसे भी जलाएंगे, दिए जले मोमबत्ती जलाएंगे, हाँ पहले दिए जलाते थे, अब मोमबत्ती से स्टार्ट कर दिया है। क्या नाम बता? लक्की, आप मम्मी पापा के साथ ये घूमने आई थी, या आपके मन में भी लगा कि हम भी भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन करें? मेरे भी मन में लगा कि गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर आके कुछ जानूं। क्या? इनके यहाँ पर आके उनके बारे में कुछ जानूं कि, हाँ कि वो कैसे, तो मैंने यहाँ पर आई तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर देख कर ये सब। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि भाई जो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अगर मम्मी पापा ये कहते हैं कि भाई ये नाला है तो इसको नाला ना माने, कम से कम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, हाँ यहाँ जो पेड़ हैं पौधे हैं बहुत अच्छा लगा, तो भाई यही है भगवान गौतम बुद्ध का मानना, यह है कि बुद्धि का इस्तेमाल करें, है ना। तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने भी एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, उनके नीचे बैठ के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो आप लोगों की बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है।
तो आप लोग पापा के साथ आए यहाँ पर, क्या नाम बताया आपने? भूमिका। भूमिका, भूमिका जब आप यहाँ आए थे तो आपको कैसा लगा? बहुत सारे मंदिरों में घूमी हो ना? हाँ, बहुत मंदिरों में घूमा है, बट ये कुछ अलग अलग पॉजिटिविटी थी यहाँ पे, एक्चुअल में पॉजिटिविटी थी। और यहाँ पे मैं अभी अंदर गई थी तो मैंने एक अपील पढ़ी थी, वहाँ पे लिखा था यहाँ पे डोनेशन अलाउड नहीं है। डोनेशन अलाउड नहीं है, एग्जैक्टली। एंड वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बस एक अलग सा लगा, तो बस अच्छा लगा मेरे को कि यहाँ पे डोनेशन अलाउड नहीं है। बाकी मंदिरों में सबको दान पात्र वगैरह भरे रहते हैं, पैसा कहाँ जाता है कुछ पता नहीं, बट यहाँ पे डोनेशन अलाउड नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि देखा होगा मंदिर के बाहर हाँ। जाते हैं कुछ भिखारी विकारी, तो उनको भी पैसे दो, फिर अंदर भी हाँ। जो पुजारी होता है एक टीका लगाने के 51 रुपए दो, तो आपको यहाँ कुछ नजर नहीं आया? नहीं, तो वो मेरे को देखने में क्या अच्छा लगा? एक्चुअली अच्छा था, यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत है, इतना ग्रीनरी है यहाँ पे। ऐसा मंदिरों में कुछ नहीं, यहाँ पे खाली मूर्ति लगा के खत्म करते, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली अच्छा, बहुत शांति है, यहाँ पे बैठो तो रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, अच्छा लगा। अभी आपने भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियाँ देखी तो कैसा लगा? अच्छा लगा। देख के डर लगता नहीं? डर नहीं लगा। तो भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियाँ देख के एक मन में ही और दिल में ही आया, एक खून का जो सर्कुलर एक ज्यादा बढ़ जाता है, आज हमने भगवान के दर्शन कर लिए, है ना? अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात। तो आप अपनी सहेलियों से क्या अपील करोगी कि इस म्यूजियम में आए, देखें, एक अपने मन के भाव को प्रकट करें? हाँ, ऑफ कोर्स। क्या बोलना चाहती हैं? मैं यही बोलूंगी कि ये म्यूजियम एक्चुअली अच्छा है, आप यहाँ पे आए, अच्छा लगता है, बस आगे देखो, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे नॉलेज बढ़ती है आपकी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा है। तो आपने आज यहाँ पहली बार आए थे और आपने अच्छी शिक्षा लेनी है, हैं, भगवान गौतम बुद्ध के जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलना है, क्योंकि और जो रास्ते हैं उनमें समय बर्बाद होता है। हाँ, अगर पूजा करते हैं तो उसमें भी एक घंटे तक लगे रहो, इसमें धूप बत्ती जलाते, लेकिन उसमें ही नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ये कहते हैं सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट ध्यान कर लो, ध्यान करने के बाद में फिर अपना जो काम करना है वो काम करो, किसी का मना नहीं है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। यहाँ आइए और जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका सर? ये हमारा नाम अशोक कुमार है। आप कहाँ से आए? हम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आए हैं। तो सर, आप यहाँ नेशनल म्यूजियम के अंदर आपने क्या देखा? हमें बहुत अच्छा लगा, भगवान बुद्ध की विचारधारा एकदम वैज्ञानिक विचारधारा है, उन्होंने जिस चीज़ को जैसा देखा वैसा ही माना उसको, ऐसा नहीं कि किसी ने जो कह दिया है वो कहने पर चल रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें इन सारी रूढ़िवादी परंपराओं से अलग हटके अपने परिवार को हम जोड़ेंगे और इसी ओर लेके जाएंगे। जी, आप मुरादाबाद से आए हैं? जी हाँ। तो आपको नेशनल म्यूजियम के बारे में किसने बताया कि वहाँ हमको व्हाट्सएप पे आया था सर, उसमें बताया कि यहाँ गौतम बुद्ध जी की अस्थियाँ रखी हैं, उनके दर्शन कराए जाएंगे और सुबह 9 बजे से 6 बजे तक शाम को खुलेगा सोमवार को, लेकिन वैसे सोमवार को बंद रहता है, होलीडे रहता है। हम इसीलिए आए, हम श्रमजीवी से आए थे, लेट हो गए हम, लेकिन तब भी हमें मिल गए दर्शन, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत समझो एक तो जीवन का करना चाहते हो? हम यही कहना चाहेंगे कि एक समाज जो है साफ सुथरा हो और वैज्ञानिक विचारधारा पर समाज चले, भला हम रूढ़िवादी या किसी चीज़ पर कोई कह रहा है वैसे ही न चलें, हम उसको हम स्वयं अपने बुद्धि से उसको परखें कि वो क्या है। अच्छा, भगवान गौतम बुद्ध की जो विचारधारा उपदेश थे यही थे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।